मध्य प्रदेश के खूबसूरत और सबसे बड़े शहर इंदौर में आपका स्वागत है। इंदौर अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें रजवाड़ा पैलेस, लाल बाग पैलेस, केंद्रीय संग्रहालय जैसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। इंदौर लगातार 6 वर्षों से भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए निकलते हैं। सराफा बाजार इंदौर के मध्य में एक हलचल भरा रात का बाजार है। यह अपने स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड, विशेष रूप से चाट, समोसे, कचौरी और मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। बाजार में पारंपरिक सोने और चांदी के गहनों का शानदार संग्रह भी है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। जैसे ही सूरज ढलता है, बाजार रोशनी, संगीत और ताजा पके हुए भोजन की सुगंध से जीवंत हो उठता है। यहाँ इंदौर की यात्रा करने वालों को जरूर जाना चाहिए। इंदौर जू। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, जिसे इंदौर जू के नाम से भी जाना जाता है, पशु प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है। 51 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस चिड़ियाघर में बाघों, तेंदुओं, शेरों सहित कई विदेशी और देसी जानवर हैं। ये बड़ी संख्या में पक्षियों की प्रजातियों का भी घर है, जो इसे पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग बनाता है। चिड़ियाघर वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और विजिटर्स, विशेष रूप से बच्चों के लिए एक महान शैक्षिकी अनुभव प्रदान करता है। खजराना गणेश मंदिर। खजराना गणेश मंदिर इंदौर में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो ज्ञान और समृद्धि के देवता भगवान गणेश को समर्पित है। यह मंदिर 250 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है और देश भर से बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित छोटे मंदिर भी शामिल हैं। मंदिर हर साल हजारों विजिटर्स को आकर्षित करता है, खासकर गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान। वातावरण जीवंत और आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक शांति चाहने वालों को मंदिर अवश्य जाना चाहिए। पातालपानी वाटरफॉल्स। इंदौर से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित पातालपानी झरना हरियाली से घिरा एक मनोरम प्राकृतिक आश्चर्य है। झरना लगभग 300 फीट की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है, जिससे धुंध का वातावरण बनता है। पहाड़ी इलाकों से होते हुए झरने तक की यात्रा अपने आप में एक साहसिक कार्य है। झरने के आसपास का क्षेत्र पिकनिक और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए आदर्श है। यह इंदौर आने वाले प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और ट्रैकर्स के बीच एक लोकप्रिय गंतव्य है। पिपलियापाला रीजनल पार्क। पिपलियापाला रीजनल पार्क, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इंदौर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पार्क 82 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक सुंदर झील है, जो हरे भरे बगीचों से घिरी हुई है। विजिटर्स बोटिंग, साइकिलिंग और जिप लाइनिंग जैसी कई एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं, जो इसे परिवार के साथ घूमने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। पार्क में एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है, जो शाम के समय देखने लायक होता है। ओमकारेश्वर टेम्पल। ओमकारेश्वर मंदिर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से 80 किलोमीटर दूर मांधाता में स्थित एक अत्यधिक सम्मानित हिंदू मंदिर है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और नर्मदा नदी में एक द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर ओम ध्वनि के स्वामी भगवान ओंकारेश्वर और अमरों के स्वामी भगवान ममलेश्वर को समर्पित है। भील जनजाति ने सदियों पहले इस स्थान पर लोगों को बसाया था और तभी से यह अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता से घिरा मंदिर का अद्वितीय स्थान इसे पर्यटकों और भक्तों के लिए समान रूप से लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। सेंट्रल म्यूजियम। सेंट्रल म्यूजियम, जिसे इंदौर म्यूजियम भी कहा जाता है, इंदौर में एक लोकप्रिय आकर्षण है। संग्रहालय में मूर्तियों, चित्रों, सिक्कों, पांडुलिपियों और हथियारों सहित क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है। 1929 में स्थापित संग्रहालय 19वीं सदी के एक सुंदर महल में स्थित है और इसकी 3 मंजिलें विभिन्न प्रदर्शनों के लिए समर्पित है। यहाँ विजिटर्स इंदौर और आसपास के क्षेत्रों के इतिहास और कला के बारे में जान सकते हैं। संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है, जिसमें कला, संस्कृति और इतिहास पर पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह है।
कांच मंदिर। कांच मंदिर, जिसे ग्लास टेंपल भी कहा जाता है, इंदौर में स्थित एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। मंदिर दीवारों, छत, फर्श और दरवाजों सहित अपने जटिल कांच के काम के लिए प्रसिद्ध है, जो पूरी तरह से कांच के पच्चीकारी से ढके हुए हैं। मंदिर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सर सेठ हुकुमचंद जैन द्वारा बनाया गया था और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। मंदिर की अनूठी वास्तुकला और सुंदर कांच का काम इसे पर्यटकों और भक्तों के लिए समान रूप से लोकप्रिय आकर्षण बनाता है। लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस भारत के इंदौर में एक खूबसूरत महल है, जिसे महाराजा शिवाजी राव होलकर ने 19वीं शताब्दी के दौरान बनवाया था। यह अपने भव्य प्रवेश द्वार और भव्य स्तंभों के साथ भारत यूरोपीय वास्तुकला का एक आकर्षक उदाहरण है। महल का एक समृद्ध इतिहास है और कभी होलकर राजवंश का निवास स्थान था। आज इसे एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें कलाकृतियों, चित्रों और मूर्तियों का एक प्रभावशाली संग्रह प्रदर्शित किया गया है, जिससे आगंतुकों को शहर के शाही अतीत की एक झलक मिलती है। रजवाड़ा पैलेस। रजवाड़ा पैलेस, जिसे होलकर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, इंदौर शहर के केंद्र में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। महल 18वीं शताब्दी में होलकर वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था और राजवंश के शासकों के निवास के रूप में सेवा की। महल मुगल, मराठा और फ्रेंच स्थापत्य शैली का मिश्रण है। यह एक 7 मंजिला महल है, लेकिन 1984 में आग लगने के बाद केवल निचली 3 मंजिले बची है। महल में अब होलकर राजवंश के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस सिटी की कोई जगह रह गई है तो कमेंट करें। हम अलग अलग सिटीज की फेमस प्लेसेस दिखाना और वीडियो बनाना जारी रखेंगे। तब तक के लिए अलविदा।